नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पर हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान का बंगला दिल्ली में 12 जनपद वाला बंगला खाली कराया गया और उसके बाद पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में उनकी पटना लैंडिंग होने वाली है और तस्वीर आज थोड़ी बदली सी है, क्योंकि बंगला खाली कराए जाने को लेकर नेताओं में, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आज नज़ारा दूसरा है पटना एयरपोर्ट पर। थोड़ी देर में चिराग पासवान लैंड करेंगे, लेकिन हुजूम देख लीजिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का। इससे मिलने आए हैं चिराग पासवान से? बंगला खाली हो गया, बंगला तो ये सब प्रधानमंत्री की दोष है। प्रधानमंत्री का दोष है? सब गरीब के, दलित के, महादलित के इतनी समझते हैं। चिराग जी तो मोदी के हनुमान थे ना? हनुमान है, हट गए अब, हम हनुमान कह रहे हैं। अब हनुमान नहीं है, हनुमान कैसे रह गया? देखिए, हनुमान और राम की बात नहीं है, एक काल्पनिक राम है, काल्पनिक राम और वर्तमान राम दोनों जो है अपनी पत्नी को नहीं छोड़े। तो ये चिराग जी कौन है? अभी मेरे कहना है कि अगर चिराग जी, रामविलास पासवान जी पूरे भारत के दूसरा अम्बेडकर थे, और नियम भी है कि अगर उनका बेटा या पत्नी जब तक जिंदा है उनके आवास रहना चाहिए। अगर खाली कराना था, मुरली मनोहर जोशी जी का भी कोई भी सांसद है, लाल कृष्ण अडवाणी जी सांसद है, उनके आवास खाली क्यों नहीं कराया गया? तो तर्क भी है, खाली क्यों कराया गया? तर्क भी है, तथ्य भी है और नाराजगी भी है। पार्टी के नेताओं का, प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर विनीत, पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर साहब। ये हुजूम आमतौर पर तो जब भी चिराग पासवान आए हैं, हाल के दिनों में ऐसा हुजूम मैंने नहीं देखा, अगर देखा हो तो आप बताइए। जब भी आते हैं चिराग पासवान जी तभी लोग आते हैं, लेकिन आज मामला थोड़ा दूसरा नजर आ रहा है। बंगला खाली होने के बाद पहली बार आ रहे हैं और जिनसे भी बात की है बड़ी नाराजगी है, बड़ा आक्रोश है। देखिए, ऐसे ऐसे बंगले 10 बंगले चिराग पासवान जी पे निसार है, और कानूनी रूप से बंगला खाली करवा सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो बड़ी हताशापूर्ण थी और उसके खिलाफ आक्रोश देख रहे हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि हनुमान है, तो हम अपना संस्कार नहीं भूले, लोग राम अपना संस्कार भूल गए हैं। क्या बताइए, माला उला लेकर आ गए हैं आप? देखिए, चिराग मिया को जो साथ हुआ बहुत गलत हुआ। कौन किया गलत बताइए? ये बीजेपी वाले सब साजिश कर रही है, नीतीश कुमार की है। अब बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं? नहीं ना, कोई रिश्ता नहीं होगा, भैया तय करेंगे हम लोग आगे क्या करना है। अब मोदी के हनुमान भी नहीं है चिराग पासवान? ना ना ना, अब नहीं, रिश्ता खत्म। अरे हनुमान जी लंका जलाए थे ना, तो 2024 में ही हनुमान पूरे लंका को जला कर रख रहे हैं। तो मोदी की लंका जला देंगे चिराग पासवान? मोदी की लंका, नीतीश की लंका जलेगी, सबसे पहले नीतीश की लंका जलेगी, जल्दी मोदी जी की लंका जलेगी। बंगला समायण बंगला चिराग जी को खाली करा सकते, लेकिन उनकी मैडम जो है विधवा थी, एक मैडम निकाल दिया है, बहुत गलत किया है। आप देखिए, भावुक हैं, रो रहे हैं, विधवा को निकाल दिया है ना, उसको पूरा देश की जनता निकाल देगा। देखिए तो 24 में देखिएगा, आप रो रहे हैं रामविलास जी के लिए, हम रो रहे हैं उनकी पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये बहुत गलत किया गया है। लाल कृष्ण अडवाणी को क्यों नहीं खाली किया गया? मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं खाली किया? नियम सबके लिए बराबर होता है, संविधान है ना, संघर्ष सबके लिए बराबर होता है, तो चिराग को क्यों किया गया? दो सलाम रहने देते, दो अपने आप खाली हो जाता। चलिए, बहुत बात हो सकती है, ऐसे ही लोगों से पार्टी पार्टी बनती है और ऐसे ही लोगों से नेता बनते हैं। लगातार हम आपको ये बताते हैं जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मतलब है ना सर, चिराग दलित समाज से ये नहीं खाली किया, दूसर जाता रहता था नहीं खाली, स्टेट दलित के चलते चिराग पास दलित चाहिए तो। चलिए, यही नाराजगी, हम चाहेंगे कि हम अपना वीडियो खत्म करें, तस्वीर ऊपर ऊपर आप दिखा दे, क्या हुजूम है पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का, जमा पड़ा चिराग पासवान की पटना लैंडिंग से पहले। तो इस वीडियो में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उनकी मैडम जो है विधवा थी, एक मैडम निकाल दिया है, बहुत गलत किया है। आप देखिए, भावुक हैं, रो रहे हैं, विधवा को निकाल दिया है ना, उसको पूरा देश की जनता निकाल देगा। देखिए तो 24 में देखिएगा, आप रो रहे हैं रामविलास जी के लिए, हम रो रहे हैं उनकी पत्नी के लिए रो रहे हैं। देखिए, ऐसे ऐसे बंगले 10 बंगले चिराग पासवान जी पे निसार है। आप बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं? नहीं ना, कोई रिश्ता नहीं होगा, भैया तय करेंगे हम लोग आगे क्या करना। आप मोदी के हनुमान भी नहीं है चिराग पासवान? ना ना ना, अब नहीं।
कंट्रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पर हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान का बंगला दिल्ली में 12 जनपद वाला बंगला खाली कराया गया और उसके बाद पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में उनकी पटना लैंडिंग होने वाली है और तस्वीर आज थोड़ी बदली सी है, जो कि बंगला खाली कराए जाने को लेकर नेताओं में कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। आज नज़ारा दूसरा है पटना एयरपोर्ट पर। थोड़ी देर में चिराग पासवान लैंड करेंगे, लेकिन हुजूम देख लीजिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का, इससे मिलने आए हैं चिराग पासवान से। बंगला खाली हो गया, बंगला तो ये सब प्रधानमंत्री के दोष है। प्रधानमंत्री का दोष है, सब गरीब के थे, दलित के, महागरीब के समझ रहे हैं। चिराग जी तो मोदी के हनुमान थे ना। हनुमान है, हट गए हैं, अब हनुमान कह रहे हैं। अब हनुमान नहीं है, हनुमान कैसे रह गया? देखिए, हनुमान और राम की बात नहीं है, एक काल्पनिक राम है, काल्पनिक राम और वर्तमान राम दोनों जो है अपनी पत्नी को नहीं छोड़े। तो ये चिराग जी कौन है? अभी मेरे कहना है कि अगर चिराग जी, रामविलास पासवान जी पूरे भारत के दूसरा अम्बेडकर थे, और नियम भी है कि अगर उनका बेटा हुआ, पत्नी जब तक जिंदा है उनकी आवास रहना चाहिए। और अगर खाली कराना था, मुरली मनोहर जोशी जी का भी कोई भी सांसद है, लाल कृष्ण अडवाणी जी सांसद है, उनके आवास खाली क्यों नहीं कराया गया? तो तर्क भी है, खाली क्यों कराया गया? तर्क भी है, तथ्य भी है और नाराजगी भी है। पार्टी के नेताओं का, प्रोफेसर साहब हमारे साथ है, प्रोफेसर विनीत पार्टी के प्रवक्ता। प्रोफेसर साहब, ये हुजूम आमतौर पर तो जब भी चिराग पासवान आए हैं हाल के दिनों में, ऐसा हुजूम मैंने नहीं देखा, अगर देखा हो तो आप बताइए। नहीं, ये तो जब भी आते चिराग पासवान जी तभी लोग आते हैं और... लेकिन आज मामला थोड़ा दूसरा नजर आ रहा है। बंगला खाली होने के बाद पहली बार आ रहे हैं और जिनसे भी बात की बड़ी नाराजगी है, बड़ा आक्रोश है। देखिए, ऐसे ऐसे बंगले दस बंगले चिराग पासवान जी पे निसार है और कानूनी रूप से बंगला खाली करवा सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो बड़ी हताशापूर्ण थी और उसके खिलाफ आप रोष देख रहे हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि हनुमान है, तो हम अपना संस्कार नहीं भूले, लोग राम अपना संस्कार भूल गए हैं, उसको तो क्या कह सकते हैं। राम का भी बंगला 24 में खाली होगा, पासवान का क्या क्या बताइए, माला उला लेकर आ गए हैं आप? देखिए, चिराग मियां को जो साथ हुआ बहुत गलत हुआ। कौन किया गलत बताइए? ये बीजेपी वाले साथ साजिश कर रही है, नीतीश कुमार की है। आप बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं? नहीं ना, कोई रिश्ता नहीं होगा, भैया तय करेंगे हम लोग आगे क्या करना। आप मोदी के हनुमान भी नहीं है चिराग पासवान? ना ना ना, अब नहीं, रिश्ता खत्म। अरे हनुमान जी लंका जलाए थे ना, 2024 में ही हनुमान पूरे लंका को जला कर रखा है। मोदी की लंका जला देंगे चिराग पासवान? मोदी की लंका, नीतीश की लंका जलेगी, सबसे पहले नीतीश की लंका जलेगी, मोदी जी की लंका जलेगी। बंगला समायण है, बंगला चिराग जी को खाली करा सकते थे, लेकिन उनकी मैडम जो है विधवा थी, मैडम निकाल दिया है, बहुत गलती है। आप देखिए, भावुक हैं, रो रहे हैं, विधवा को निकाल दिया है ना, उसको पूरा देश की जनता निकाल देगा। देखिए तो 24 में देखिएगा, आप रो रहे हैं रामविलास जी के लिए, हम रो रहे हैं उनकी पत्नी के लिए, रो रहे हैं, ये बहुत गलत किया गया है। लाल कृष्ण अडवाणी को क्यों नहीं खाली किया गया? मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं खाली किया? नियम सबके लिए बराबर होता है, संविधान है ना, संविधान सबके लिए बराबर होता है, तो चिराग को क्यों किया गया? दो सलाम रहने देते, दो अपने आप खाली हो जाता। चलिए, बहुत बात हो सकती है, ऐसे ही लोगों से पार्टी पार्टी बनती है और ऐसे ही लोगों से नेता नेता बनते हैं। लगातार हम आपको ये बताते हैं जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मतलब है ना सर, चिराग जी दलित समाज से ये नहीं खाली किया, दूसर यात्रा था नहीं खाली, स्टेट नहीं, दलित के चलते चिराग दलित। चलिए, यही नाराजगी, हम चाहेंगे कि हम अपना वीडियो खत्म करें, तस्वीर ऊपर ऊपर आप दिखा दे, क्या हुजूम है पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा चिराग पासवान की पटना लैंडिंग से पहले। तो इस वीडियो में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।